दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज़ हुई एक बहुत ही प्यारी मूवी सत्य भमा को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आप लोग इस वीडियो को एक लाइक लाजमी कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ हमारी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो और उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सत्य भामा के बारे में तो इस वीडियो में मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है उसी के साथ साथ इस मूवी का रिव्यू भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है और चंद ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि हमारे जहन में सबसे ज़्यादा आता है हम जब भी कोई मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं इसमें हमें देखने को क्या मिलेगा चाहे हम टीजर देखें ट्रेलर देखें ट्रेलर वन ट्रेलर टू जितना कुछ भी इस मूवी के रिलेटेड देख लें लेकिन जब तक हम कोई भी मूवी देख ना लें हमें उसके रिलेटेड उतनी इंफॉर्मेशन कभी भी नहीं मिल सकती तो इसी वजह से हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही है कि ये मूवी हमें क्या प्रोवाइड करेगी तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी में आप लोगों को रोमांस प्लस ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ बात करें है वो है जी तकरीबन दो घंटे और पैंतीस मिनट के राउंड अबाउट जो कि काफी अच्छी सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम डोरेशन है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक

किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी श्री हरी नानू ने जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें राइटर की डायलॉग्स की कि इस मूवी के डायलॉग्स को किसने लिखा तो निवास ने इस मूवी के डायलॉग्स को लिखा जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे गए हैं स्क्रीन प्ले की बात करें जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइट रखा गया है तो श्री हरि नानू ने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है स्टोरी लाइन की बात करें तो उन्होंने ही यहां पर इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी संभाला स्क्रीन प्ले को भी संभाला डायरेक्शन को भी संभाला जो कि काफी अच्छे तरीके से हैंडल की गई है स्टोरी लाइन ही वो मेन चीज होती है जो कि ऑडियंस और किस को कनेक्ट कर सकती है एंड यह काम इस मूवी ने ठीक ठाक किया है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो बेकम गोपाल और उसी के साथ साथ ममिदी सेट्टी श्रीनिवास जो हैं वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को शिवाजी देखने को मिलेंगे भूमिका चावला और देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे-अच्छे एक्टर्स बहुत सारे की सारी की सारी एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे की बात करें, तो चक्री इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिन्होंने सॉन्ग्स एंड बीजीएम को बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर हैंडल किया है प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो लकी मीडिया इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलगु दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे तो अब आते हैं जी सबसे बड़े सवाल पर कि ये अभी कहां पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो मैं आप लोगों को पहले बताता चलूँ कि ये मूवी जो है वो अभी कहीं पर अवेलेबल नहीं की गई लेकिन हाँ जल्द ही इसका टीवी प्रीमियर आने वाला है आप लोग इसे टीवी पर देख दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज़ हुई एक बहुत ही प्यारी मूवी सत्य भमा को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आप लोग इस वीडियो को एक लाइक लाजमी कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ हमारे इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो और उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सत्य के बारे में तो इस वीडियो में मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है उसी के साथ साथ इस मूवी का रिव्यू भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन्स इसका जैनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि हमारे जहन में सबसे ज़्यादा आता है हम जब भी कोई मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं इसमें हमें देखने को क्या मिलेगा चाहे हम टीज़र देखें ट्रेलर देखें ट्रेलर वन ट्रेलर टू जितना कुछ भी इस मूवी के रिलेटेड देख लें लेकिन जब तक हम कोई भी मूवी देख ना लें हमें उसके रिलेटेड उतनी इन्फॉर्मेशन का भी, भी नहीं मिल सकती तो इसी वजह से हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही है कि ये मूवी हमें क्या प्रोवाइड करेगी तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी में आप लोगों को रोमांस प्लस ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इस मूवी की टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरे है वो है जी तकरीबन दो घंटे और पैंतीस मिनट के राउंड अबाउट है जो कि काफी अच्छी सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम ड्यूरेशन है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया और इसकी आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी फोर आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की स्टारिंग में आप लोगों को कौन देखने को मिलेगा तो इसकी स्टारिंग में आप लोगों को यहाँ पर भूमिका का चावला देखने को मिल जाएंगे शिवाजी देखने को मिलेंगे कृष्णा देखने को मिल जाएंगे ब्रह्म देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ एम एस नारायणा शिवाजी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है एंड उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया क्या यह हिट रही या फ्लॉप रही तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग बात करें डायरेक्टर की कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी श्री हरी नानू ने जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें राइटर की डायलॉग्स की कि इस मूवी के डायलॉग्स को ने लिखा तो निवास ने इस मूवी के डायलॉग्स को लिखा जो कि बहुत तरीके से लिखे गए हैं है। तो श्री हरी को ही यहां पर स्टोरी लाइन को भी संभाला स्क्रीन प्ले को भी संभाला डायरेक्शन को भी संभाला जो कि काफी अच्छे तरीके से हैंडल की गई है स्टोरी लाइन तो ही वो मेन चीज होती है जो कि ऑडियंस और थियेटर्स को कनेक्ट कर सकती है एंड ये काम इस मूवी ने ठीक ठाक किया प्रोड्यूसर्स की बात करें तो बेकम गोपाल और उसी के साथ साथ ममिदी सेट्टी श्रीनिवास जो हैं वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को शिवाजी देखने को मिलेंगे भूमिका चावला और निमिषा देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिल जाएंगे एडिटिंग की बात करें तो आप लोगों को नागी रेड्डी जो है वो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो चक्री इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिन्होंने सॉन्ग एंड वी को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया है प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो लकी मीडिया इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे तो अब आते हैं जी सबसे बड़े सवाल पर कि ये अभी कहां पर देख देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो मैं आप लोगों को पहले बताता चलूँ कि ये मूवी जो है वो अभी कहीं पर अवेलेबल नहीं की गई लेकिन हाँ जल्द ही इसका टीवी प्रीमियर आने वाला है आप लोग इसे टीवी पर देख दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज़ हुई एक बहुत ही प्यारी मूवी सत्य भमा को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आप लोग इस वीडियो को एक लाइक लाजमी कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ हमारी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो और उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सत्य भामा के बारे में तो इस वीडियो में मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है उसी के साथ साथ इस मूवी का रिव्यू भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन्स इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि हमारे जहन में सबसे ज़्यादा आता है हम जब भी कोई मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं इसमें हमें देखने को क्या मिलेगा चाहे हम टीज़र देखें ट्रेलर देखें ट्रेलर वन ट्रेलर टू जितना कुछ भी इस मूवी के रिलेटेड देख लें लेकिन जब तक हम कोई भी मूवी देख ना लें हमें उसके रिलेटेड उतनी इन्फॉर्मेशन क भी, भी नहीं मिल सकती तो इसी वजह से हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता में रोमांस प्लस देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रोवाइड किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इस मूवी की टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम है वो है जी तकरीबन दो घंटे और पैंतीस मिनट के राउंड अबाउट है जो कि काफ़ी अच्छी सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम डोनेशन है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया और इसकी आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी फोर आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की स्टारिंग में आप लोगों को कौन देखने को मिलेगा तो इसकी स्टारिंग में आप लोगों को यहाँ पर भूमिका चावला देखने को मिल जाएंगे सिवा जी देखने को मिलेंगे कृष्णा देखने को मिल जाएंगे साथ साथ यहाँ साथ साथ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया क्या ये हिट रही या फ्लो रही तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग बात करें डायरेक्टर की कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी श्री हरि नानू ने जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें राइटर की डायलॉग्स की कि इस मूवी के डायलॉग्स को किसने लिखा तो निवास ने इस मूवी के डायलॉग्स को को लिखा जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे गए हैं स्क्रीन प्ले की बात करें जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइट रखा गया है तो श्री नानू ने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है स्टोरी लाइन की बात करें तो उन्होंने ही पर इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी संभाला स्क्रीन प्ले को भी संभाला डायरेक्शन को भी संभाला जो कि काफी अच्छे तरीके से हैंडल की गई है स्टोरी लाइन ही वो मेन चीज होती है जो कि ऑडियंस और थियेटर्स को कनेक्ट कर सकती है एंड यह काम इस मूवी ने ठीक ठाक किया है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो बेकम गोपाल और उसी के साथ साथ ममविदी शेट्टी श्रीनिवास जो हैं वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को शिवाजी देखने को मिलेंगे भूमिका चावला और निमिषा देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिल जाएंगे एडिटिंग की बात करें तो आप लोगों को नागी रेड्डी जो हैं वो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो चक्री इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिन्होंने सॉन्ग्स एंड बीजीएम को बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर हैंडल किया है प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो लकी मीडिया इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे तो अब आते हैं जी सबसे बड़े सवाल पर कि ये अभी कहां पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो मैं आप लोगों को पहले बताता चलूँ कि ये मूवी जो है वो अभी कहीं पर अवेलेबल नहीं की गई लेकिन हाँ जल्द ही इसका टी वी प्रीमियर आने वाला है आप लोग इसे टी वी पर देख दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज़ हुई एक बहुत ही प्यारी मूवी सत्य भमा को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आप लोग इस वीडियो को एक लाइक लाजमी कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ हमारी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो और उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सत्य के बारे में तो इस वीडियो में मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है उसी के साथ साथ इस मूवी का रिव्यू भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन्स इसका जैनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि हमारे जहन में सबसे ज़्यादा आता है हम जब भी कोई मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं इसमें हमें देखने को क्या मिलेगा चाहे हम टीज़र देखें ट्रेलर देखें ट्रेलर वन ट्रेलर टू जितना कुछ भी इस मूवी के रिलेटेड देख लें लेकिन जब तक हम कोई भी मूवी देख ना लें हमें उसके रिलेटेड उतनी इन्फॉमेशन भी, भी नहीं मिल सकती तो इसी वजह से हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है है वो यही है कि ये मूवी हमें क्या प्रोवाइड करेगी तो मैं आप लोगों को बता देता हूं काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रोवाइड किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इस मूवी की टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो है जी तकरीबन दो घंटे और पैंतीस मिनट के राउंड अबाउट है जो कि काफ़ी अच्छी सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम डोरेशन है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया और इसकी आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी फोर आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की स्टारिंग में आप लोगों को कौन देखने को मिलेगा तो इसकी स्टारिंग में आप लोगों को यहां पर घूमने चावला देखने को मिल जाएंगे शिवाजी देखने को मिलेंगे कृष्णा देखने को मिल जाएंगे देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग बात करें डायरेक्टर की कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी श्री हरि नानू ने जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें राइटर की डायलॉग्स की कि इस मूवी के डायलॉग्स को किसने लिखा तो निवास ने इस मूवी के डायलॉग्स को लिखा जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे गए हैं स्क्रीन प्ले की बात करें जो कि काफी ज्यादा टाइट रखा गया है तो श्री हरी नानू ने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला जो कि काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है स्टोरी लाइन की बात करें तो उन्होंने ही यहां पर इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी संभाला स्क्रीन प्ले को भी संभाला डायरेक्शन को भी संभाला जो कि काफी अच्छे तरीके से हैंडल की गई है स्टोरी लाइन ही वो मेन चीज होती है जो कि ऑडियंस और थिएटर्स को कनेक्ट कर सकती है एंड ये काम इस मूवी ने ठीक ठाक किया है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो बेटा कम गोपाल और उसी के साथ साथ ममविदी शेट्टी श्रीनिवास जो हैं वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को शिवाजी देखने को मिलेंगे भूमिका चावला और निमिषा देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिल जाएंगे एडिटिंग की बात करें तो आप लोगों को नागी रेड्डी जो है वो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें

ट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो मैं आप लोगों को पहले बताता चलूँ कि ये मूवी जो है वो अभी कहीं पर अवेलेबल नहीं की गई लेकिन हाँ जल्द ही इसका टी वी प्रीमियर आने वाला है आप लोग इसे टी वी पर देख दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज़ हुई एक बहुत ही प्यारी मूवी सत्य भमा को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आप लोग इस वीडियो को एक लाइक लाजमी कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ हमारी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो और उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सत्य भामा के बारे में तो इस वीडियो में मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है उसी के साथ साथ इस मूवी का रिव्यू भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है और चंद ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट साबित हो सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि हमारे जहन में सबसे ज़्यादा आता है हम जब भी कोई मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो तो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं इसमें हमें देखने को क्या मिलेगा चाहे हम टीजर देखें ट्रेलर देखें ट्रेलर वन ट्रेलर टू जितना कुछ भी इस मूवी के रिलेटेड देख लें लेकिन जब तक हम कोई भी मूवी देख ना लें हमें उसके रिलेटेड उतनी इंफॉर्मेशन कभी भी नहीं मिल सकती तो इसी वजह से हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही है कि ये मूवी हमें क्या प्रोवाइड करेगी तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी में आप लोगों को रोमांस प्लस ड्रामा देखने को जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रोवाइड किया गया है लेकिन उसी के साथ ये बहुत डोरेशन है वह है जी तकरीबन दो घंटे और पैंतीस मिनट के राउंड अबाउट जो कि काफी अच्छी सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम डोरेशन है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक

कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स ये हिट रही या फ्लॉप रही तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग बात करें डायरेक्टर की इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारे के सारे डायरेक्शन को संभाला है जी श्री हरि नानू ने जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें राइटर की डायलॉग्स की कि इस मूवी के डायलॉग्स को किसने लिखा तो निवास ने इस मूवी के डायलॉग्स को लिखा जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे गए हैं स्क्रीन प्ले की बात करें जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइट रखा गया है तो श्री हरि नानू ने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है स्टोरी लाइन की बात करें तो उन्होंने ही पर इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी संभाला स्क्रीन प्ले को भी संभाला डायरेक्शन को भी संभाला जो कि काफी अच्छे तरीके से हैंडल की गई है स्टोरी लाइन ही वो मेन चीज होती है जो कि ऑडियंस और थिएटर्स को कनेक्ट कर सकती है एंड यह काम इस मूवी ने ठीक ठाक किया है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो बेकम गोपाल और उसी के साथ साथ ममिदी सेट्टी श्रीनिवास जो हैं वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को शिवाजी देखने को मिलेंगे भूमिका चावला और

दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज़ हुई एक बहुत ही प्यारी मूवी सत्य भमा को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आप लोग इस वीडियो को एक लाइक लाजमी कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ हमारी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो और उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सत्य भामा के बारे में तो इस वीडियो में मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है उसी के साथ साथ इस मूवी का रिव्यू भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन्स इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि हमारे जहन में सबसे ज़्यादा आता है हम जब भी कोई मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं इसमें हमें देखने को क्या मिलेगा चाहे हम टीज़र देखें ट्रेलर देखें ट्रेलर वन ट्रेलर टू जितना कुछ भी इस मूवी के रिलेटेड देख लें लेकिन जब तक हम कोई भी मूवी देख ना लें हमें उसके रिलेटेड उतनी इन्फॉर्मेशन कभी भी, भी नहीं मिल सकती तो इसी वजह से हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही है कि ये मूवी हमें क्या प्रोवाइड करेगी तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी में आप लोगों को रोमांस प्लस ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रोवाइड किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इस मूवी की टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो है जी तकरीबन दो घंटे और पैंतीस मिनट के राउंड अबाउट है जो कि काफी अच्छी सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम ड्यूरेशन है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया और इसकी आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी फोर आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की स्टारिंग में आप लोगों को कौन देखने को मिलेगा तो इसकी स्टारिंग में आप लोगों को यहां पर भूमिका चावला देखने को मिल जाएंगे शिवाजी देखने को मिलेंगे कृष्णा देखने को मिल जाएंगे ब्रह्मेंद्र देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ एम एस नारायणा शिवाजी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है एंड उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया क्या ये हिट रही या यह फ्लॉप रही तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग बात करें डायरेक्टर की कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी श्री हरी नानू ने जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें राइटर की डायलॉग्स की कि इस मूवी के डायलॉग्स को लिखा तो निवास ने इस मूवी के डायलॉग्स को लिखा जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे गए हैं स्क्रीन प्ले की बात करें जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइट रखा गया है तो श्री हरी नानू ने इस के को संभाला जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है स्टोरी लाइन की बात करें तो उन्होंने ही यहां पर इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी संभाला स्क्रीन प्ले को भी संभाला डायरेक्शन को भी संभाला जो कि काफी अच्छे तरीके से हैंडल की गई है स्टोरी लाइन ही वो मेन चीज होती है जो कि ऑडियंस और थियेटर्स को कनेक्ट कर सकती है एंड ये काम इस मूवी ने ठीक ठाक किया है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो बेकम गोपाल और उसी के साथ साथ ममिदी शेट्टी श्रीनिवास जो हैं वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को शिवाजी देखने को मिलेंगे भूमिका चावला और निमिषा देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिल जाएंगे एडिटिंग की बात करें तो आप लोगों को नागी रेड्डी जो हैं वो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो चक्री इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिन्होंने सॉन्ग्स एंड बीजीएम को बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर हैंडल किया है प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो लकी मीडिया इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे तो अब आते हैं जी सबसे बड़े सवाल पर कि ये अभी कहां पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो मैं आप लोगों को पहले बताता चलूँ कि ये मूवी जो है वो अभी कहीं पर अवेलेबल नहीं की गई लेकिन हाँ जल्द ही इसका टी वी प्रीमियर आने वाला है आप लोग इसे टी पर देख दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज़ हुई एक बहुत ही प्यारी मूवी सत्य भमा को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आप लोग इस वीडियो को एक लाइक लाजमी कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ हमारी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो और उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सत्य के बारे में तो इस वीडियो में मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है उसी के साथ साथ इस मूवी का रिव्यू भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन्स इसका जैनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि हमारे जहन में सबसे ज़्यादा आता है हम जब भी कोई मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं इसमें हमें देखने को क्या मिलेगा चाहे हम टीज़र देखें ट्रेलर देखें ट्रेलर वन ट्रेलर टू जितना कुछ भी इस मूवी के रिलेटेड देख लें लेकिन जब तक हम कोई भी मूवी देख ना लें हमें उसके रिलेटेड उतनी इन्फॉर्मेशन का भी, भी नहीं मिल सकती तो इसी वजह से हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही है कि ये मूवी हमें क्या प्रोवाइड करेगी तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी में आप लोगों को रोमांस प्लस ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रोवाइड किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इस मूवी की टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरे शन है वो है जी तकरीबन दो घंटे और पैंतीस मिनट के राउंड अबाउट है जो कि काफ़ी अच्छी सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम डोरेशन है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया और इसकी आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी की जो आई एम रेटिंग है वो है जी फोर आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की स्टारिंग में आप लोगों को कौन देखने को मिलेगा तो इसकी स्टारिंग में आप लोगों को यहाँ पर भूमिका चावला देखने को मिल जाएंगे सिवा जी देखने को मिलेंगे कृष्णा देखने को मिल जाएंगे ब्रह्म देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ एम एस शिवाजी और भी बहुत सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है उसी के साथ साथ, साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया क्या ये हिट रही या फ्लॉप रही तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग बात करें डायरेक्टर की कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी श्री हरि नानू ने जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें राइटर की डायलॉग्स की कि इस मूवी के डायलॉग्स को किसने लिखा तो निवास ने इस मूवी के डायलॉग्स को लिखा जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे गए हैं स्क्रीन प्ले की बात करें जो कि काफी ज़्यादा टाइट रखा गया है तो श्री हरी को हैंडल किया गया है संभाला डायरेक्शन को, को भी संभाला जो कि काफी अच्छे तरीके से हैंडल की गई है स्टोरी लाइन ही वो मेन चीज होती है जो कि ऑडियंस और थिएटर्स को कनेक्ट कर सकती है एंड ये काम इस मूवी ने ठीक ठाक किया है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो बेकम गोपाल और उसी के साथ साथ ममिदी सेट्टी श्रीनिवास जो हैं वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को शिवाजी देखने को मिलेंगे भूमिका चावला और निमिषा देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिल जाएंगे एडिटिंग की बात करें तो आप लोगों को नागी रेड्डी जो है वो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो चक्री इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिन्होंने सॉन्ग एंड बी को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया है प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो लकी मीडिया इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे तो अब आते हैं जी सबसे बड़े सवाल पर कि ये अभी कहां पर देख देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो मैं आप लोगों को पहले बताता चलूँ कि ये मूवी जो है वो अभी कहीं पर अवेलेबल नहीं की गई लेकिन हाँ जल्द ही इसका टीवी प्रीमियर आने वाला है आप लोग इसे टी वी पर देख दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज़ हुई एक बहुत ही प्यारी मूवी सत्य भमा को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आप लोग इस वीडियो को एक लाइक लाजमी कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ हमारी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो और उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सत्य भामा के बारे में तो इस वीडियो में मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है उसी के साथ साथ इस मूवी का रिव्यू भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन्स इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि हमारे जहन में सबसे ज़्यादा आता है हम जब भी कोई मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं इसमें हमें देखने को क्या मिलेगा चाहे हम टीजर देखें ट्रेलर देखें ट्रेलर वन ट्रेलर टू जितना कुछ भी इस मूवी के रिलेटेड देख लें लेकिन जब तक हम कोई भी मूवी देख ना लें हमें उसके रिलेटेड उतनी इन्फॉमेशन का भी, भी नहीं मिल सकती तो इसी वजह से हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है है वो यही है कि ये मूवी हमें क्या प्रोवाइड करेगी तो मैं आप लोगों को बता देता हूं काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इस मूवी की टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम ਕੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ तकरीबन दो घंटे और पैंतीस मिनट के राउंड अबाउट है जो कि काफ़ी अच्छी सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम डोनेशन है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया और इसकी आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी फोर आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की स्टारिंग में आप लोगों को कौन देखने को मिलेगा तो इसकी स्टारिंग में आप लोगों को यहाँ पर भूमिका चावला देखने को मिल जाएंगे सिवा जी देखने को मिलेंगे कृष्णा देखने को मिल जाएंगे ब्रह्म देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ एम एस नारायण शिवाजी और भी बहुत सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है उसी के साथ साथ, साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग बात करें डायरेक्टर की कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि, कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी श्री हरि नानू ने जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें राइटर की डायलॉग्स की कि इस मूवी के डायलॉग्स को किसने लिखा तो निवास ने इस मूवी के डायलॉग्स को लिखा जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे गए हैं स्क्रीन प्ले की बात करें जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइट रखा गया है तो श्री हरी नानू ने इस के स्क्रीन प्ले को संभाला जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है स्टोरी लाइन की बात करें तो उन्होंने ही यहां पर इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी संभाला स्क्रीन प्ले को भी संभाला डायरेक्शन को भी संभाला जो कि काफी अच्छे तरीके से हैंडल की गई है स्टोरी लाइन ही वो मेन चीज होती है जो कि ऑडियंस और थिएटर्स को कनेक्ट कर सकती है एंड ये काम इस मूवी ने ठीक ठाक किया है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो बेकम गोपाल और उसी के साथ साथ ममिदी शेट्टी श्रीनिवास जो हैं वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को शिवाजी देखने को मिलेंगे भूमिका चावला और निमिषा देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिल जाएंगे एडिटिंग की बात करें तो आप लोगों को नागी रेड्डी जो हैं वो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो चक्री इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिन्होंने सॉन्ग्स एंड बीजीएम को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया है प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो लकी मीडिया इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेज में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे तो अब आते हैं जी सबसे बड़े सवाल पर कि ये अभी कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो मैं आप लोगों को पहले बताता चलूँ कि ये मूवी जो है वो अभी कहीं पर अवेलेबल नहीं की गई लेकिन हाँ जल्द इसका टीवी प्रीमियर आने वाला है आप लोग इसे टीवी पर देख दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज़ हुई एक बहुत ही प्यारी मूवी सत्य भमा को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आप लोग इस वीडियो को एक लाइक लाजमी कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ हमारी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो और उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सत्य के बारे में तो इस वीडियो में मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है उसी के साथ साथ इस मूवी का रिव्यू भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन्स इसका जैनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि हमारे जहन में सबसे ज़्यादा आता है हम जब भी कोई मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं इसमें हमें देखने को क्या मिलेगा चाहे हम टीज़र देखें ट्रेलर देखें ट्रेलर वन ट्रेलर टू जितना कुछ भी इस मूवी के रिलेटेड देख लें लेकिन जब तक हम कोई भी मूवी देख ना लें हमें उसके रिलेटेड उतनी इंफॉर्मेशन भी, भी नहीं मिल सकती तो इसी वजह से हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है है वो यही है कि ये मूवी हमें क्या प्रोवाइड करेगी तो मैं आप लोगों को बता देता हूं काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रोवाइड किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इस मूवी की टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो है जी तकरीबन दो घंटे और पैंतीस मिनट के राउंड अबाउट है जो कि काफ़ी अच्छी सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम डोरेशन है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया और इसकी आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी फोर आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की स्टारिंग में आप लोगों को कौन देखने को मिलेगा तो इसकी स्टारिंग में आप लोगों को यहां पर घूमने चावला देखने को मिल जाएंगे शिवाजी देखने को मिलेंगे कृष्णा देखने को मिल जाएंगे देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग बात करें डायरेक्टर की कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी श्री हरि नानू ने जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें राइटर की डायलॉग्स की कि इस मूवी के डायलॉग्स को किसने लिखा तो निवास ने इस मूवी के डायलॉग्स को लिखा जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे गए हैं स्क्रीन प्ले की बात करें जो कि काफी ज़्यादा टाइट रखा गया है तो श्री हरी नानू ने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला जो कि काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है स्टोरी लाइन की बात करें तो उन्होंने ही यहां पर इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी संभाला स्क्रीन प्ले को भी संभाला डायरेक्शन को भी संभाला जो कि काफी अच्छे तरीके से हैंडल की गई है स्टोरी लाइन ही वो मेन चीज होती है जो कि ऑडियंस और थियेटर्स को कनेक्ट कर सकती है एंड यह काम इस मूवी ने ठीक ठाक किया है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो बे कम गोपाल और उसी के साथ साथ ममविदी शेट्टी श्रीनिवास जो हैं वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को शिवाजी देखने को मिलेंगे भूमिका चावला और निमिषा देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिल जाएंगे एडिटिंग की बात करें तो आप लोगों को नागी रेड्डी जो है वो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें

ट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो मैं आप लोगों को पहले बताता चलूँ कि ये मूवी जो है वो अभी कहीं पर अवेलेबल नहीं की गई लेकिन हाँ जल्द ही इसका टी वी प्रीमियर आने वाला है आप लोग इसे टी वी पर देख दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज़ हुई एक बहुत ही प्यारी मूवी सत्य भमा को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आप लोग इस वीडियो को एक लाइक लाजमी कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ हमारी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो और उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सत्या भामा के बारे में तो इस वीडियो में मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है उसी के साथ साथ इस मूवी का रिव्यू भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है और चंद ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि हमारे जहन में सबसे ज़्यादा आता है हम जब भी कोई मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो तो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं इसमें हमें देखने को क्या मिलेगा चाहे हम टीजर देखें ट्रेलर देखें ट्रेलर वन ट्रेलर टू जितना कुछ भी इस मूवी के रिलेटेड देख लें लेकिन जब तक हम कोई भी मूवी देख ना लें हमें उसके रिलेटेड उतनी इंफॉर्मेशन कभी भी नहीं मिल सकती तो इसी वजह से हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही है कि ये मूवी हमें क्या प्रोवाइड करेगी तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी में आप लोगों को रोमांस प्लस ड्रामा देखने को जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रोवाइड किया गया है लेकिन उसी के साथ ये बहुत डोरेशन है वह है जी तकरीबन दो घंटे और पैंतीस मिनट के राउंड अबाउट जो कि काफी अच्छी सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम डोरेशन है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक

किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारे के सारे डायरेक्शन को संभाला है जी श्री हरि नानू ने जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें राइटर की डायलॉग्स की कि इस मूवी के डायलॉग्स को किसने लिखा तो निवास ने इस मूवी के डायलॉग्स को लिखा जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे गए हैं स्क्रीन प्ले की बात करें जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइट रखा गया है तो श्री हरि नानू ने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है स्टोरी लाइन की बात करें तो उन्होंने ही पर इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी संभाला स्क्रीन प्ले को भी संभाला डायरेक्शन को भी संभाला जो कि काफी अच्छे तरीके से हैंडल की गई है स्टोरी लाइन ही वो मेन चीज होती है जो कि ऑडियंस और को कनेक्ट कर सकती है एंड यह काम इस मूवी ने ठीक ठाक किया है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो बेकम गोपाल और उसी के साथ साथ ममिदी सेट्टी श्रीनिवास जो हैं वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को शिवाजी देखने को मिलेंगे भूमिका चावला और

दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज़ हुई एक बहुत ही प्यारी मूवी सत्य भमा को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आप लोग इस वीडियो को एक लाइक लाजमी कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ हमारी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो और उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सत्य भामा के बारे में तो इस वीडियो में मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है उसी के साथ साथ इस मूवी का रिव्यू भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन्स इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि हमारे जहन में सबसे ज़्यादा आता है हम जब भी कोई मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं इसमें हमें देखने को क्या मिलेगा चाहे हम टीजर देखें ट्रेलर देखें ट्रेलर वन ट्रेलर टू जितना कुछ भी इस मूवी के रिलेटेड देख लें लेकिन जब तक हम कोई भी मूवी देख ना लें हमें उसके रिलेटेड उतनी इन्फॉर्मेशन कभी भी, भी नहीं मिल सकती तो इसी वजह से हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही है कि ये मूवी हमें क्या प्रोवाइड करेगी तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी में आप लोगों को रोमांस प्लस ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रोवाइड किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इस मूवी की टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो है जी तकरीबन दो घंटे और पैंतीस मिनट के राउंड अबाउट है जो कि काफी अच्छी सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम ड्यूरेशन है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया और इसकी आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी फोर आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की स्टारिंग में आप लोगों को कौन देखने को मिलेगा तो इसकी स्टारिंग में आप लोगों को यहां पर भूमिका चावला देखने को मिल जाएंगे शिवाजी देखने को मिलेंगे कृष्णा देखने को मिल जाएंगे ब्रह्म देखने को मिलेंगे, मिलेंगे। उसी के साथ साथ एम एस नारायणा शिवाजी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार इस कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट जी किया क्या ये हिट रही या यह फ्लॉप रही तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग बात करें डायरेक्टर की कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी श्री हरी नानू ने जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें राइटर की डायलॉग्स की कि इस मूवी के डायलॉग्स को उसने लिखा तो निवास ने इस मूवी के डायलॉग्स को लिखा जो कि तरीके से लिखे गए हैं प्ले की बात करें जो कि टाइट गया है। तो श्री हरी ने इस के प्ले को ही यहां पर स्टोरी लाइन को भी संभाला स्क्रीन प्ले को भी संभाला डायरेक्शन को भी संभाला जो कि काफी अच्छे तरीके से हैंडल की गई है स्टोरी लाइन ही वो मेन चीज होती है जो कि ऑडियंस और थियेटर्स को कनेक्ट कर सकती है एंड ये काम इस मूवी ने ठीक ठाक किया प्रोड्यूसर्स की बात करें तो बेकम गोपाल और उसी के साथ साथ ममिदी शेट्टी श्रीनिवास जो हैं वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को शिवाजी देखने को मिलेंगे भूमिका चावला और निमिषा देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिल जाएंगे एडिटिंग की बात करें तो आप लोगों को नागी रेड्डी जो हैं वो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो चक्री इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिन्होंने सॉन्ग्स एंड बीजीएम को बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर हैंडल किया है प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो लकी मीडिया इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे तो अब आते हैं जी सबसे बड़े सवाल पर कि ये अभी कहां पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो मैं आप लोगों को पहले बताता चलूँ कि ये मूवी जो है वो अभी कहीं पर अवेलेबल नहीं की गई लेकिन हाँ जल्द ही इसका टी वी प्रीमियर आने वाला है आप लोग इसे टी पर देख दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज़ हुई एक बहुत ही प्यारी मूवी सत्य भमा को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आप लोग इस वीडियो को एक लाइक लाजमी कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ हमारी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो और उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सत्य भामा के बारे में तो इस वीडियो में मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है उसी के साथ साथ इस मूवी का रिव्यू भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन्स इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि हमारे जहन में सबसे ज़्यादा आता है हम जब भी कोई मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं इसमें हमें देखने को क्या मिलेगा चाहे हम टीज़र देखें ट्रेलर देखें ट्रेलर वन ट्रेलर टू जितना कुछ भी इस मूवी के रिलेटेड देख लें लेकिन जब तक हम कोई भी मूवी देख ना लें हमें उसके रिलेटेड उतनी इन्फॉर्मेशन का भी, भी नहीं मिल सकती तो इसी वजह से हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है है वो यही है कि ये मूवी हमें क्या प्रोवाइड करेगी तो मैं आप लोगों को बता देता हूं काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रोवाइड किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इस मूवी की टाइम डोरेशन सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरे है वो है जी तकरीबन दो घंटे और पैंतीस मिनट के राउंड अबाउट है जो कि काफी अच्छी सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम ड्यूरेशन है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया और इसकी आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी फोर आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की स्टारिंग में आप लोगों को कौन देखने को मिलेगा तो इसकी स्टारिंग में आप लोगों को यहां पर भूमि 뉴스, लिजिन्ये लिजिन्ये का चावला देखने को मिल जाएंगे शिवाजी मिलेंगे कृष्णा लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट क्या यह हिट रही या यह फ्लॉप रही तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग बात करें डायरेक्टर की कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी श्री हरी नानू ने जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें राइटर की डायलॉग्स की कि इस मूवी के डायलॉग्स को उसने लिखा तो निवास ने इस मूवी के डायलॉग्स को लिखा जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे गए हैं स्क्रीन प्ले की बात करें जो कि काफी ज्यादा टाइट रखा गया है तो श्री हरि नानू ने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला जो कि काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है स्टोरी लाइन की बात करें तो उन्होंने ही यहाँ पर इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी संभाला स्क्रीन प्ले को भी संभाला डायरेक्शन को भी संभाला जो कि काफी अच्छे तरीके से हैंडल की गई है स्टोरी लाइन ही वो मेन चीज होती है जो कि ऑडियंस और थिएटर्स को कनेक्ट कर सकती है एंड ये काम इस मूवी ने ठीक ठाक किया है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो बेकम गोपाल और उसी के साथ साथ ममविदी शेट्टी श्रीनिवास जो हैं वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को शिवाजी देखने को मिलेंगे भूमिका चावला और निमिषा देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिल जाएंगे एडिटिंग की बात करें तो आप लोगों को नागी रेड्डी जो हैं वो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो चक्री इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिन्होंने सॉन्ग्स एंड बीजीएम को बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर हैंडल किया है प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो लकी मीडिया इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे तो अब आते हैं जी सबसे बड़े सवाल पर कि ये अभी कहां पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो मैं आप लोगों को पहले बताता चलूँ कि ये मूवी जो है वो अभी कहीं पर अवेलेबल नहीं की गई लेकिन हाँ जल्द ही इसका टी वी प्रीमियर आने वाला है आप लोग इसे टी वी पर देख दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज़ हुई एक बहुत ही प्यारी मूवी सत्य भमा को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आप लोग इस वीडियो को एक लाइक लाजमी कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ हमारी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो और उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बास नहीं पहुँच सके हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सत्य भामा के बारे में तो इस वीडियो में मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है उसी के साथ साथ इस मूवी का रिव्यू भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन्स इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि हमारे जहन में सबसे ज़्यादा आता है हम जब भी कोई मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं इसमें हमें देखने को क्या मिलेगा चाहे हम टीज़र देखें ट्रेलर देखें ट्रेलर वन ट्रेलर टू जितना कुछ भी इस मूवी के रिलेटेड देख लें लेकिन जब तक हम कोई भी मूवी देख ना लें हमें उसके रिलेटेड उतनी इन्फॉर्मेशन का भी, भी नहीं मिल सकती तो इसी वजह से हमारे दिमाग में, तो में, तो में रोमांस प्लस देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा बनाई गई है या इस मूवी की टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम ेशन है वो है जी तकरीबन दो घंटे और पैंतीस मिनट के राउंड अबाउट है जो कि काफ़ी अच्छी सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम डोनेशन है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया और इसकी आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी फोर आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की स्टारिंग में आप लोगों को कौन देखने को मिलेगा तो इसकी स्टारिंग में आप लोगों को यहाँ पर भूमिका चावला देखने को मिल जाएंगे सिवा जी देखने को मिलेंगे कृष्णा देखने को मिल जाएंगे ब्रह्म देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ एम एस नारायण शिवाजी और भी बहुत सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है उसी के साथ साथ, साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग बात करें डायरेक्टर की कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी श्री हरि नानू ने जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें राइटर की डायलॉग्स की कि इस मूवी के डायलॉग्स को किसने लिखा तो निवास ने इस मूवी के डायलॉग्स को जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे गए हैं स्क्रीन प्ले की बात करें uh जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइट रखा गया है तो श्री हरी इस के स्क्रीन प्ले को संभाला जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है स्टोरी लाइन की बात करें तो उन्होंने ही यहां पर इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी संभाला स्क्रीन प्ले को भी संभाला डायरेक्शन को भी संभाला जो कि काफी अच्छे तरीके से हैंडल की गई है स्टोरी लाइन ही वो मेन चीज होती है जो कि ऑडियंस और थियेटर्स को कनेक्ट कर सकती है एंड ये काम इस मूवी ने ठीक ठाक किया है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो बेकम गोपाल और उसी के साथ साथ ममिदी शेट्टी श्रीनिवास जो हैं वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को शिवाजी देखने को मिलेंगे भूमिका चावला और निमिषा देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिल जाएंगे एडिटिंग की बात करें तो आप लोगों को नागी रेड्डी जो हैं वो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो चक्री इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिन्होंने सॉन्ग्स एंड बीजीएम को बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर हैंडल किया है प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो लकी मीडिया इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेज में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे तो अब आते हैं जी सबसे बड़े सवाल पर कि ये अभी कहां पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो मैं आप लोगों को पहले बताता चलूँ कि ये मूवी जो है वो अभी कहीं पर अवेलेबल नहीं की गई लेकिन हाँ जल्द ही इसका टी वी प्रीमियर आने वाला है आप लोग इसे टी पर देख दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज़ हुई एक बहुत ही प्यारी मूवी सत्य भमा को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आप लोग इस वीडियो को एक लाइक लाजमी कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ हमारी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो और उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सत्य के बारे में तो इस वीडियो में मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है उसी के साथ साथ इस मूवी का रिव्यू भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन्स इसका जैनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि हमारे जहन में सबसे ज़्यादा आता है हम जब भी कोई मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं इसमें हमें देखने को क्या मिलेगा चाहे हम टीज़र देखें ट्रेलर देखें ट्रेलर वन ट्रेलर टू जितना कुछ भी इस मूवी के रिलेटेड देख लें लेकिन जब तक हम कोई भी मूवी देख ना लें हमें उसके रिलेटेड उतनी इंफॉर्मेशन कभी भी नहीं मिल सकती तो इसी वजह से हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है है वो यही है कि ये मूवी हमें क्या प्रोवाइड करेगी तो मैं आप लोगों को बता देता हूं काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रोवाइड किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इस मूवी की टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो है जी तकरीबन दो घंटे और पैंतीस मिनट के राउंड अबाउट है जो कि काफ़ी अच्छी सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम डोरेशन है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया और इसकी आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी फोर आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की स्टारिंग में आप लोगों को कौन देखने को मिलेगा तो इसकी स्टारिंग में आप लोगों को यहां पर घूमने चावला देखने को मिल जाएंगे शिवाजी देखने को मिलेंगे कृष्णा देखने को मिल जाएंगे देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग बात करें डायरेक्टर की कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी श्री हरि नानू ने जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें राइटर की डायलॉग्स की कि इस मूवी के डायलॉग्स को किसने लिखा तो निवास ने इस मूवी के डायलॉग्स को लिखा जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे गए हैं स्क्रीन प्ले की बात करें जो कि काफी ज्यादा टाइट रखा गया है तो श्री हरी नानू ने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला जो कि काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है स्टोरी लाइन की बात करें तो उन्होंने ही यहां पर इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी संभाला स्क्रीन प्ले को भी संभाला डायरेक्शन को भी संभाला जो कि काफी अच्छे तरीके से हैंडल की गई है स्टोरी लाइन ही वो मेन चीज होती है जो कि ऑडियंस और थिएटर्स को कनेक्ट कर सकती है एंड ये काम इस मूवी ने ठीक ठाक किया है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो बेटा गोपाल और उसी के साथ साथ ममविदी सेट्टी श्रीनिवास जो हैं वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप, आप लोगों को बता चुका हूं कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को शिवाजी देखने को मिलेंगे भूमिका चावला और निमिषा देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिल जाएंगे एडिटिंग की बात करें तो आप लोगों को नागी रेड्डी जो है वो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें

ट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो मैं आप लोगों को पहले बताता चलूँ कि ये मूवी जो है वो अभी कहीं पर अवेलेबल नहीं की गई लेकिन हाँ जल्द ही इसका टी वी प्रीमियर आने वाला है आप लोग इसे टी वी पर देख दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज़ हुई एक बहुत ही प्यारी मूवी सत्य भमा को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आप लोग इस वीडियो को एक लाइक लाजमी कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ हमारी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो और उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सत्या भामा के बारे में तो इस वीडियो में मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है उसी के साथ साथ इस मूवी का रिव्यू भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है और चंद ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मींस इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि हमारे जहन में सबसे ज़्यादा आता है हम जब भी कोई मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो तो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं इसमें हमें देखने को क्या मिलेगा चाहे हम टीजर देखें ट्रेलर देखें ट्रेलर वन ट्रेलर टू जितना कुछ भी इस मूवी के रिलेटेड देख लें लेकिन जब तक हम कोई भी मूवी देख ना लें हमें उसके रिलेटेड उतनी इंफॉर्मेशन कभी भी नहीं मिल सकती तो इसी वजह से हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही है कि ये मूवी हमें क्या प्रोवाइड करेगी तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी में आप लोगों को रोमांस प्लस ड्रामा देखने को जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रोवाइड किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर पर हम बनाई गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो है जी तकरीबन दो घंटे और पैंतीस मिनट के राउंड अबाउट जो कि काफी अच्छी सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम डोरेशन है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक

किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारे के सारे डायरेक्शन को संभाला है जी श्री हरि नानू ने जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे के सारे डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें राइटर की डायलॉग्स की कि इस मूवी के डायलॉग्स को किसने लिखा तो निवास ने इस मूवी के डायलॉग्स को लिखा जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे गए हैं स्क्रीन प्ले की बात करें जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइट रखा गया है तो श्री हरि नानू ने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है स्टोरी लाइन की बात करें तो उन्होंने ही पर इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी संभाला स्क्रीन प्ले को भी संभाला डायरेक्शन को भी संभाला जो कि काफी अच्छे तरीके से हैंडल की गई है स्टोरी लाइन ही वो मेन चीज होती है जो कि ऑडियंस और को कनेक्ट कर सकती है एंड यह काम इस मूवी ने ठीक ठाक किया है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो बेकम गोपाल और उसी के साथ साथ ममिदी सेट्टी श्रीनिवास जो हैं वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को शिवाजी देखने को मिलेंगे भूमिका चावला और देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे बहुत सारे की बात करें तो चक्री इस मूवी मुझी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिन्होंने सॉन्ग्स एंड बीजीएम को बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर हैंडल किया है प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो लकी मीडिया इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो ये एक तलेगो लैंग्वेज की मूवी बनाई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों घरों में ही कर दिया गया था। आप लोगों के सबसे बड़े सवाल पर, ये अभी कहां पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो मैं आप लोगों को पहले बताता चलूँ कि ये मूवी जो है वो अभी कहीं पर अवेलेबल नहीं की गई लेकिन हाँ जल्द ही इसका टीवी प्रीमियर आने वाला है आप लोग इसे टीवी पर देख दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज़ हुई एक बहुत ही प्यारी मूवी सत्य भमा को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आप लोग इस वीडियो को एक लाइक लाजमी कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ हमारी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो और उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सत्य भामा के बारे में तो इस वीडियो में मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है उसी के साथ साथ इस मूवी का रिव्यू भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन्स इसका जैनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि हमारे जहन में सबसे ज़्यादा आता है हम जब भी कोई मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं इसमें हमें देखने को क्या मिलेगा चाहे हम टीज़र देखें ट्रेलर देखें ट्रेलर वन ट्रेलर टू जितना कुछ भी इस मूवी के रिलेटेड देख लें लेकिन जब तक हम कोई भी मूवी देख ना लें हमें उसके रिलेटेड उतनी इन्फॉर्मेशन का भी, भी नहीं मिल सकती तो इसी वजह से हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही है कि ये मूवी हमें क्या प्रोवाइड करेगी तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी में आप लोगों को रोमांस प्लस ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इस मूवी की टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरे है वो है जी तकरीबन दो घंटे और पैंतीस मिनट के राउंड अबाउट है जो कि काफी अच्छी सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम ड्यूरेशन है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया और इसकी आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी फोर आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की स्टारिंग में आप लोगों को कौन देखने को मिलेगा तो इसकी स्टारिंग में आप लोगों को यहाँ पर भूमिका का चावला देखने को मिल जाएंगे शिवाजी देखने को मिलेंगे कृष्णा देखने को मिल जाएंगे ब्रह्म देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ एम एस नारायणा शिवाजी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है एंड उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया क्या यह हिट रही या फ्लॉप रही तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग बात करें डायरेक्टर की कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी श्री हरी नानू ने जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें राइटर की डायलॉग्स की कि इस मूवी के डायलॉग्स को उसने लिखा तो निवास ने इस मूवी के डायलॉग्स को लिखा जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे गए हैं स्क्रीन प्ले की बात करें जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइट रखा गया है तो श्री हरी को संभाला जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है स्टोरी लाइन की बात करें तो उन्होंने ही यहां पर इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी संभाला स्क्रीन प्ले को भी संभाला डायरेक्शन को भी संभाला जो कि काफी अच्छे तरीके से हैंडल की गई है स्टोरी लाइन ही वो मेन चीज होती है जो कि ऑडियंस और थियेटर्स को कनेक्ट कर सकती है एंड ये काम इस मूवी ने ठीक ठाक किया है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो बेकम गोपाल और उसी के साथ साथ ममिदी सेट्टी श्रीनिवास जो हैं वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को शिवाजी देखने को मिलेंगे भूमिका चावला और निमिषा देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिल जाएंगे एडिटिंग की बात करें तो आप लोगों को नागी रेड्डी जो हैं वो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो चक्री इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिन्होंने सॉन्ग एंड बी को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया है प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो लकी मीडिया इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे तो अब आते हैं जी सबसे बड़े सवाल पर कि ये अभी कहां पर देख देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो मैं आप लोगों को पहले बताता चलूँ कि ये मूवी जो है वो अभी कहीं पर अवेलेबल नहीं की गई लेकिन हाँ जल्द ही इसका टीवी प्रीमियर आने वाला है आप लोग इसे टी वी पर देख दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज़ हुई एक बहुत ही प्यारी मूवी सत्य भमा को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आप लोग इस वीडियो को एक लाइक लाजमी कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ हमारी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो और उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सत्य भामा के बारे में तो इस वीडियो में मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है उसी के साथ साथ इस मूवी का रिव्यू भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन्स इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि हमारे जहन में सबसे ज़्यादा आता है हम जब भी कोई मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं इसमें हमें देखने को क्या मिलेगा चाहे हम टीज़र देखें ट्रेलर देखें ट्रेलर वन ट्रेलर टू जितना कुछ भी इस मूवी के रिलेटेड देख लें लेकिन जब तक हम कोई भी मूवी देख ना लें हमें उसके रिलेटेड उतनी इन्फॉर्मेशन कम भी, भी नहीं मिल सकती तो इसी वजह से हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है है वो यही है कि ये मूवी हमें क्या प्रोवाइड करेगी तो मैं आप लोगों को बता देता हूं काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रोवाइड किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इस मूवी की टाइम डोरेशन सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरे है वो है जी तकरीबन दो घंटे और पैंतीस मिनट के राउंड अबाउट है जो कि काफी अच्छी सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम ड्यूरेशन है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया और इसकी आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी फोर आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की स्टारिंग में आप लोगों को कौन देखने को मिलेगा तो इसकी स्टारिंग में आप लोगों को यहां पर भूमि

किया, क्या यह हिट रही या यह फ्लॉप रही तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग बात करें डायरेक्टर की कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी श्री हरी नानू ने जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें राइटर की डायलॉग्स की कि इस मूवी के डायलॉग्स को उसने लिखा तो निवास ने इस मूवी के डायलॉग्स को लिखा जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे गए हैं स्क्रीन प्ले की बात करें जो कि काफी ज्यादा टाइट रखा गया है तो श्री हरि नानू ने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला जो कि काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है स्टोरी लाइन की बात करें तो उन्होंने ही यहाँ पर इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी संभाला स्क्रीन प्ले को भी संभाला डायरेक्शन को भी संभाला जो कि काफी अच्छे तरीके से हैंडल की गई है स्टोरी लाइन ही वो मेन चीज होती है जो कि ऑडियंस और थिएटर्स को कनेक्ट कर सकती है एंड ये काम इस मूवी ने ठीक ठाक किया है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो बेकम गोपाल और उसी के साथ साथ ममविदी शेट्टी श्रीनिवास जो हैं वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को शिवाजी देखने को मिलेंगे भूमिका चावला और निमिषा देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिल जाएंगे एडिटिंग की बात करें तो आप लोगों को नागी रेड्डी जो हैं वो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो चक्री इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिन्होंने सॉन्ग्स एंड बीजीएम को बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर हैंडल किया है प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो लकी मीडिया इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे तो अब आते हैं जी सबसे बड़े सवाल पर कि ये अभी कहां पर देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो मैं आप लोगों को पहले बताता चलूँ कि ये मूवी जो है वो अभी कहीं पर अवेलेबल नहीं की गई लेकिन हाँ जल्द ही इसका टी वी प्रीमियर आने वाला है आप लोग इसे टी वी पर देख दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज़ हुई एक बहुत ही प्यारी मूवी सत्य भमा को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आप लोग इस वीडियो को एक लाइक लाजमी कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ हमारी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो और उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सत्य भामा के बारे में तो इस वीडियो में मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है उसी के साथ साथ इस मूवी का रिव्यू भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन्स इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि हमारे जहन में सबसे ज़्यादा आता है हम जब भी कोई मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं इसमें हमें देखने को क्या मिलेगा चाहे हम टीज़र देखें ट्रेलर देखें ट्रेलर वन ट्रेलर टू जितना कुछ भी इस मूवी के रिलेटेड देख लें लेकिन जब तक हम कोई भी मूवी देख ना लें हमें उसके रिलेटेड उतनी इन्फॉर्मेशन का भी, भी नहीं मिल सकती तो इसी वजह से हमारे दिमाग में आप लोगों को, 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 तो को रोमांस प्लस देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा बनाई गई है या इस मूवी की टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम ेशन है वो है जी तकरीबन दो घंटे और पैंतीस मिनट के राउंड अबाउट है जो कि काफ़ी अच्छी सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम डोनेशन है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया और इसकी आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी फोर आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की स्टारिंग में आप लोगों को कौन देखने को मिलेगा तो इसकी स्टारिंग में आप लोगों को यहाँ पर भूमिका चावला देखने को मिल जाएंगे सिवा जी देखने को मिलेंगे कृष्णा देखने को मिल जाएंगे ब्रह्म देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ एम एस नारायण शिवाजी और भी बहुत सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है उसी के साथ साथ, साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग बात करें डायरेक्टर की कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी श्री हरि नानू ने जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें राइटर की डायलॉग्स की कि इस मूवी के डायलॉग्स को किसने लिखा तो निवास ने इस मूवी के डायलॉग्स को जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे गए हैं स्क्रीन प्ले की बात करें जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइट रखा गया है तो श्री हरी ने इस के स्क्रीन प्ले को संभाला जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है स्टोरी लाइन की बात करें तो उन्होंने ही यहां पर इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी संभाला स्क्रीन प्ले को भी संभाला डायरेक्शन को भी संभाला जो कि काफी अच्छे तरीके से हैंडल की गई है स्टोरी लाइन ही वो मेन चीज होती है जो कि ऑडियंस और थिएटर्स को कनेक्ट कर सकती है एंड ये काम इस मूवी ने ठीक ठाक किया है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो बेकम गोपाल और उसी के साथ साथ ममिदी शेट्टी श्रीनिवास जो हैं वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को शिवाजी देखने को मिलेंगे भूमिका चावला और निमिषा देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिल जाएंगे एडिटिंग की बात करें तो आप लोगों को नागी रेड्डी जो हैं वो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो चक्री इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिन्होंने सॉन्ग्स एंड बीजीएम को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया है प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो लकी मीडिया इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेज में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे तो अब आते हैं जी सबसे बड़े सवाल पर कि ये अभी कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो मैं आप लोगों को पहले बताता चलूँ कि ये मूवी जो है वो अभी कहीं पर अवेलेबल नहीं की गई लेकिन हाँ जल्द इसका टीवी प्रीमियर आने वाला है आप लोग इसे टीवी पर देख दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज़ हुई एक बहुत ही प्यारी मूवी सत्य भमा को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आप लोग इस वीडियो को एक लाइक लाजमी कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ हमारी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो और उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सत्य के बारे में तो इस वीडियो में मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है उसी के साथ साथ इस मूवी का रिव्यू भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन्स इसका जैनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि हमारे जहन में सबसे ज़्यादा आता है हम जब भी कोई मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं इसमें हमें देखने को क्या मिलेगा चाहे हम टीज़र देखें ट्रेलर देखें ट्रेलर वन ट्रेलर टू जितना कुछ भी इस मूवी के रिलेटेड देख लें लेकिन जब तक हम कोई भी मूवी देख ना लें हमें उसके रिलेटेड उतनी इन्फॉर्मेशन कभी भी नहीं मिल सकती तो इसी वजह से हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है है वो यही है कि ये मूवी हमें क्या प्रोवाइड करेगी तो मैं आप लोगों को बता देता हूं काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रोवाइड किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इस मूवी की टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो है जी तकरीबन दो घंटे और पैंतीस मिनट के राउंड अबाउट है जो कि काफ़ी अच्छी सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम डोरेशन है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया और इसकी आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी फोर आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की स्टारिंग में आप लोगों को कौन देखने को मिलेगा तो इसकी स्टारिंग में आप लोगों को यहां पर घूमने चाव। चावला देखने को मिल जाएंगे शिवाजी देखने को मिलेंगे कृष्णा देखने को मिल जाएंगे देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग बात करें डायरेक्टर की कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी श्री हरि नानू ने जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें राइटर की डायलॉग्स की कि इस मूवी के डायलॉग्स को किसने लिखा तो निवास ने इस मूवी के डायलॉग्स को लिखा जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे गए हैं स्क्रीन प्ले की बात करें जो कि काफी ज्यादा टाइट रखा गया है तो श्री हरी नानू ने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला जो कि काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है स्टोरी लाइन की बात करें तो उन्होंने ही यहां पर इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी संभाला स्क्रीन प्ले को भी संभाला, संभाला डायरेक्शन को भी संभाला जो कि काफी अच्छे तरीके से हैंडल की गई है स्टोरी लाइन ही वो मेन चीज होती है जो कि ऑडियंस और थिएटर्स को कनेक्ट कर सकती है एंड ये काम इस मूवी ने ठीक ठाक किया है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो बे कम गोपाल और उसी के साथ साथ ममविदी शेट्टी श्रीनिवास जो हैं वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को शिवाजी देखने को मिलेंगे भूमिका चावला और निमिषा देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिल जाएंगे एडिटिंग की बात करें तो आप लोगों को नागी रेड्डी जो है वो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें

ट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो मैं आप लोगों को पहले बताता चलूँ कि ये मूवी जो है वो अभी कहीं पर अवेलेबल नहीं की गई लेकिन हाँ जल्द ही इसका टी वी प्रीमियर आने वाला है आप लोग इसे टी वी पर देख दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज़ हुई एक बहुत ही प्यारी मूवी सत्य भमा को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आप लोग इस वीडियो को एक लाइक लाजमी कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ हमारी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो और उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सत्य भामा के बारे में तो इस वीडियो में मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है उसी के साथ साथ इस मूवी का रिव्यू भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है और चंद ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन्स इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि हमारे जहन में सबसे ज़्यादा आता है हम जब भी कोई मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं इसमें हमें देखने को क्या मिलेगा चाहे हम टीज़र देखें ट्रेलर देखें ट्रेलर वन ट्रेलर टू जितना कुछ भी इस मूवी के रिलेटेड देख लें लेकिन जब तक हम कोई भी मूवी देख ना लें हमें उसके रिलेटेड उतनी इन्फॉर्मेशन कभी भी नहीं मिल सकती तो इसी वजह से हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही है कि ये मूवी हमें क्या प्रोवाइड करेगी तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी में आप लोगों को रोमांस प्लस ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इस मूवी की टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो है जी तकरीबन दो घंटे और पैंतीस मिनट के राउंड अबाउट है जो कि इसे गूगल किया गया और इसकी आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी फोर आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की स्टारिंग में आप लोगों को कौन देखने को मिलेगा तो इसकी स्टारिंग में आप लोगों को यहां पर भूमिका चावला देखने को मिल जाएंगे शिवाजी देखने को मिलेंगे कृष्णा देखने को मिल जाएंगे ब्रह्म देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ एम एस नारायणा शिवाजी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग बात करें डायरेक्टर की कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी श्री हरि नानू ने जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें राइटर की डायलॉग्स की कि इस मूवी के डायलॉग्स को किसने लिखा तो निवास ने इस मूवी के डायलॉग्स को लिखा जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे गए हैं स्क्रीन प्ले की बात करें जो कि काफी ज्यादा टाइट रखा गया है तो श्री हरी नानू ने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला जो कि काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है स्टोरी लाइन की बात करें तो उन्होंने तो ही यहां पर इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी संभाला स्क्रीन प्ले को भी संभाला डायरेक्शन को भी संभाला जो कि काफी अच्छे तरीके से हैंडल की गई है स्टोरी लाइन ही वो मेन चीज होती है जो कि ऑडियंस और थिएटर्स को कनेक्ट कर सकती है एंड यह काम इस मूवी ने ठीक ठाक किया है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो बेक गोपाल और उसी के साथ साथ ममिदी सेट्टी श्रीनिवास जो हैं वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं शिवाजी देखने को मिलेंगे भूमिका चावला और निमिषा देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिल जाएंगे एडिटिंग की बात करें तो आप लोगों को नागी रेड्डी जो है वो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें

ट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो मैं आप लोगों को पहले बताता चलूँ कि ये मूवी जो है वो अभी कहीं पर अवेलेबल नहीं की गई लेकिन हाँ जल्द ही इसका टी वी प्रीमियर आने वाला है आप लोग इसे टी पर देख दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज़ हुई एक बहुत ही प्यारी मूवी सत्य भमा को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आप लोग इस वीडियो को एक लाइक लाजमी कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ हमारी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो और उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सत्य भामा के बारे में तो इस वीडियो में मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है उसी के साथ साथ इस मूवी का रिव्यू भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन्स इसका जैनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि हमारे जहन में सबसे ज़्यादा आता है हम जब भी कोई मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं इसमें हमें देखने को क्या मिलेगा चाहे हम टीज़र देखें ट्रेलर देखें ट्रेलर वन ट्रेलर टू जितना कुछ भी इस मूवी के रिलेटेड देख लें लेकिन जब तक हम कोई भी मूवी देख ना लें हमें उसके रिलेटेड उतनी इन्फॉर्मेशन का भी, भी नहीं मिल सकती तो इसी वजह से हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही है कि ये मूवी हमें क्या प्रोवाइड करेगी तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी में आप लोगों को रोमांस प्लस ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इस मूवी की टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरे है वो है जी तकरीबन दो घंटे और पैंतीस मिनट के राउंड अबाउट है जो कि काफी अच्छी सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम ड्यूरेशन है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया और इसकी आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी फोर आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की स्टारिंग में आप लोगों को कौन देखने को मिलेगा तो इसकी स्टारिंग में आप लोगों को यहाँ पर भूमिका का चावला देखने, देखने, देखने को मिल जाएंगे शिवाजी देखने को मिलेंगे कृष्णा देखने को मिल जाएंगे ब्रह्म देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ एम एस नारायणा शिवाजी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है एंड उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया क्या यह हिट रही या फ्लॉप रही तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग बात करें डायरेक्टर की कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी श्री हरी नानू ने जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें राइटर की डायलॉग्स की कि इस मूवी के डायलॉग्स को उसने लिखा तो निवास ने इस मूवी के डायलॉग्स को लिखा जो कि बहुत ही टाइट रखा गया है तो श्री हरी को बात करें तो उन्होंने ही यहां पर इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी संभाला स्क्रीन प्ले को भी संभाला डायरेक्शन को भी संभाला जो कि काफी अच्छे तरीके से हैंडल की गई है स्टोरी लाइन ही वो मेन चीज होती है जो कि ऑडियंस और थियेटर्स को कनेक्ट कर सकती है एंड ये काम इस मूवी ने ठीक ठाक किया प्रोड्यूसर्स की बात करें तो बेकम गोपाल और उसी के साथ साथ ममिदी सेट्टी श्रीनिवास जो हैं वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को शिवाजी देखने को मिलेंगे भूमिका चावला और निमिषा देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिल जाएंगे एडिटिंग की बात करें तो आप लोगों को नागी रेड्डी जो हैं वो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो चक्री इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिन्होंने सॉन्ग एंड बी को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया है प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो लकी मीडिया इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे तो अब आते हैं जी सबसे बड़े सवाल पर कि ये अभी कहां पर देख देखने को है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो मैं आप लोगों को पहले बताता चलूँ कि ये मूवी जो है वो अभी कहीं पर अवेलेबल नहीं की गई लेकिन हाँ जल्द ही इसका टी वी प्रीमियर आने वाला है आप लोग इसे टी वी पर देख दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज़ हुई एक बहुत ही प्यारी मूवी सत्य भमा को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आप लोग इस वीडियो को एक लाइक लाजमी कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ हमारी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो और उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सत्य भामा के बारे में तो इस वीडियो में मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है उसी के साथ साथ इस मूवी का रिव्यू भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन्स इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि हमारे जहन में सबसे ज़्यादा आता है हम जब भी कोई मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं इसमें हमें देखने को क्या मिलेगा चाहे हम टीज़र देखें ट्रेलर देखें ट्रेलर वन ट्रेलर टू जितना कुछ भी इस मूवी के रिलेटेड देख लें लेकिन जब तक हम कोई भी मूवी देख ना लें हमें उसके रिलेटेड उतनी इन्फॉर्मेशन कम भी, भी नहीं मिल सकती तो इसी वजह से हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है है वो यही है कि ये मूवी हमें क्या प्रोवाइड करेगी तो मैं आप लोगों को बता देता हूं ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहां पर प्रोवाइड किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इस मूवी की टाइम डोरेशन सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरे है वो है जी तकरीबन दो घंटे और पैंतीस मिनट के राउंड अबाउट है जो कि काफ़ी अच्छी सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम डोनेशन है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया और इसकी आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी फोर आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की स्टारिंग में आप लोगों को कौन देखने को मिलेगा तो इसकी स्टारिंग में आप लोगों को यहाँ पर भूमिका चावला देखने को मिल जाएंगे सिवा जी देखने को मिलेंगे कृष्णा देखने को मिल जाएंगे साथ साथ यहाँ साथ साथ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है उसी के साथ साथ, साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया क्या ये हिट रही या फ्लो रही तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग बात करें डायरेक्टर की कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी श्री हरि नानू ने जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें राइटर की डायलॉग्स की कि इस मूवी के डायलॉग्स को किसने लिखा तो निवास ने इस मूवी के डायलॉग्स को लिखा जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे गए हैं स्क्रीन प्ले की बात करें जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइट रखा गया है तो श्री नानू ने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है स्टोरी लाइन की बात करें तो उन्होंने ही यहां पर इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी संभाला स्क्रीन प्ले को भी संभाला डायरेक्शन को भी संभाला जो कि काफी अच्छे तरीके से हैंडल की गई है स्टोरी लाइन ही वो मेन चीज होती है जो कि ऑडियंस और थिएटर्स को कनेक्ट कर सकती है एंड यह काम इस मूवी ने ठीक ठाक किया है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो बेकम गोपाल और उसी के साथ साथ ममविदी शेट्टी श्रीनिवास जो हैं वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को शिवाजी देखने को मिलेंगे भूमिका चावला और निमिषा देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिल जाएंगे एडिटिंग की बात करें तो आप लोगों को नागी रेड्डी जो है वो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो चक्री इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिन्होंने सॉन्ग्स एंड बीजीएम को बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर हैंडल किया है प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो लकी मीडिया इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे तो अब आते हैं जी सबसे बड़े सवाल पर कि ये अभी कहां पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो मैं आप लोगों को पहले बताता चलूँ कि ये मूवी जो है वो अभी कहीं पर अवेलेबल नहीं की गई लेकिन हाँ जल्द ही इसका टी वी प्रीमियर आने वाला है आप लोग इसे टी वी पर देख दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज़ हुई एक बहुत ही प्यारी मूवी सत्य भमा को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आप लोग इस वीडियो को एक लाइक लाजमी कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ हमारी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो और उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सत्य भामा के बारे में तो इस वीडियो में मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है उसी के साथ साथ इस मूवी का रिव्यू भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन्स इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि हमारे जहन में सबसे ज़्यादा आता है हम जब भी कोई मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं इसमें हमें देखने को क्या मिलेगा चाहे हम टीज़र देखें ट्रेलर देखें ट्रेलर वन ट्रेलर टू जितना कुछ भी इस मूवी के रिलेटेड देख लें लेकिन जब तक हम कोई भी मूवी देख ना लें हमें उसके रिलेटेड उतनी इंफॉमेशन

ेशन है वो है जी तकरीबन दो घंटे और पैंतीस मिनट के राउंड अबाउट है जो कि काफ़ी अच्छी सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम डोनेशन है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया और इसकी आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी फोर आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की स्टारिंग में आप लोगों को कौन देखने को मिलेगा तो इसकी स्टारिंग में आप लोगों को यहाँ पर भूमिका चावला देखने को मिल जाएंगे सिवा जी देखने को मिलेंगे कृष्णा देखने को मिल जाएंगे ब्रह्म देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ एम एस नारायण शिवाजी और भी बहुत सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है उसी के साथ साथ, साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग बात करें डायरेक्टर की कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी श्री हरि नानू ने जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें राइटर की डायलॉग्स की कि इस मूवी के डायलॉग्स को किसने लिखा तो निवास ने इस मूवी के डायलॉग्स को लिखा जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे गए हैं स्क्रीन प्ले की बात करें जो कि काफी ज़्यादा टाइट रखा गया है तो श्री हरी नानू ने इस के स्क्रीन प्ले को संभाला जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है स्टोरी लाइन की बात करें तो उन्होंने ही यहाँ पर इस, इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी संभाला संभाला स्क्रीन प्ले को भी डायरेक्शन को भी संभाला जो कि काफी अच्छे तरीके से हैंडल की गई है स्टोरी लाइन ही वो मेन चीज होती है जो कि ऑडियंस और थिएटर्स को कनेक्ट कर सकती है एंड ये काम इस मूवी ने ठीक ठाक किया है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो बेकम गोपाल और उसी के साथ साथ ममिदी सेट्टी श्रीनिवास जो हैं वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को शिवाजी देखने को मिलेंगे भूमिका चावला और निमिषा देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिल जाएंगे एडिटिंग की बात करें तो आप लोगों को नागी रेड्डी जो हैं वो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभालते हुए नज़र आएंगे म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो चक्री इस मूवी के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जिन्होंने Songs and BGM को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया है प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो लकी मीडिया इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो यह एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में ही रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे तो अब आते हैं जी सबसे बड़े सवाल पर कि अभी कहां पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो मैं आप लोगों को पहले बताता कि यह मूवी जो है वो अभी कहीं पर अवेलेबल नहीं की गई लेकिन हां जल्द ही इसका टीवी प्रीमियर आने वाला है आप लोग इसे टीवी पर देख दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज़ हुई एक बहुत ही प्यारी मूवी सत्य भमा को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आप लोग इस वीडियो को एक लाइक लाजमी कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ हमारी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो और उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2007 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सत्य भामा के बारे में तो इस वीडियो में मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है उसी के साथ साथ इस मूवी का रिव्यू भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन्स इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि हमारे जहन में सबसे ज़्यादा आता है हम जब भी कोई मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं इसमें हमें देखने को क्या मिलेगा चाहे हम टीजर देखें ट्रेलर देखें ट्रेलर वन ट्रेलर टू जितना कुछ भी इस मूवी के रिलेटेड देख लें लेकिन जब तक हम कोई भी मूवी देख ना लें हमें उसके रिलेटेड उतनी इंफॉर्मेशन कभी भी नहीं मिल सकती तो इसी वजह से हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही है कि ये मूवी हमें क्या प्रोवाइड करेगी तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी में आप लोगों को रोमांस प्लस ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इस मूवी की टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो है जी तकरीबन दो घंटे और पैंतीस मिनट के राउंड अबाउट है जो कि काफी अच्छी सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम ड्यूरेशन है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया और इसकी आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी फोर आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की स्टारिंग में आप लोगों को कौन देखने को मिलेगा तो इसकी स्टारिंग में आप लोगों को यहां पर भूमिका चावला देखने को मिल जाएंगे शिवाजी देखने को मिलेंगे कृष्णा देखने को मिल जाएंगे ब्रह्म देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ एम एस नारायणा शिवाजी और भी बहुत सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग बात करें डायरेक्टर की कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी श्री हरी नानू ने जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें राइटर की डायलॉग्स की कि इस मूवी के डायलॉग्स को किसने लिखा तो निवास ने इस मूवी के डायलॉग्स को लिखा जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे गए हैं स्क्रीन प्ले की बात करें जो कि काफी ज्यादा टाइट रखा गया है तो श्री हरि नानू ने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला जो कि काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है स्टोरी लाइन की बात करें तो उन्होंने ही यहां पर इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी संभाला स्क्रीन प्ले को भी संभाला डायरेक्शन को भी संभाला जो कि काफी अच्छे तरीके से हैंडल की गई है स्टोरी लाइन ही वो मेन चीज होती है जो कि ऑडियंस और थिएटर्स को कनेक्ट कर सकती है एंड यह काम इस मूवी ने ठीक ठाक किया है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो बेक गोपाल और उसी के साथ साथ ममविदी सेट्टी श्रीनिवास जो भूमिका तो चावला और निमिषा देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिल जाएंगे एडिटिंग की बात करें तो आप लोगों को नागी रेड्डी जो है वो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें

YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो मैं आप लोगों को पहले बताता चलूं कि ये मूवी जो है वो अभी कहीं पर अवेलेबल नहीं की गई लेकिन हाँ जल्द ही इसका टी वी प्रीमियर आने वाला है आप लोग इसे टी वी पर देख दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2007 में रिलीज़ हुई एक बहुत ही प्यारी मूवी सत्य भमा को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ आप लोग इस वीडियो को एक लाइक लाजमी कर दीजिएगा एंड उसी के साथ साथ हमारी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो और उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2007 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सत्या भामा के बारे में तो इस वीडियो में मैंने इस मूवी के रिलेटेड बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है उसी के साथ साथ इस मूवी का रिव्यू भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है और चंद ऐसे फैक्ट भी बताए हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है मीन्स इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि हमारे जहन में सबसे ज़्यादा आता है हम जब भी कोई मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि ये जो मूवी हम देखने के लिए जा रहे हैं इसमें हमें देखने को क्या मिलेगा चाहे हम टीजर देखें ट्रेलर देखें ट्रेलर वन ट्रेलर टू जितना कुछ भी इस मूवी के रिलेटेड देख लें लेकिन जब तक हम कोई भी मूवी देख ना लें हमें उसके रिलेटेड उतनी इन्फॉर्मेशन कभी भी नहीं मिल सकती तो इसी वजह से हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही है कि ये मूवी हमें क्या प्रोवाइड करेगी तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी में आप लोगों को रोमांस प्लस ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इस मूवी की टाइम डोरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो है जी तकरीबन दो घंटे और पैंतीस और, और इसकी आई और इसकी बी रेटिंग क्या है तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी फोर आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की स्टारिंग में आप लोगों को कौन देखने को मिलेगा तो इसकी स्टारिंग में आप लोगों को यहां पर भूमिका चावला देखने को मिल जाएंगे शिवाजी देखने को मिलेंगे कृष्णा देखने को मिल जाएंगे ब्रह्म देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ एम एस नारायणा शिवाजी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है प्रोड्यूसर्स कौन है राइटर्स कौन है उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला एडिटर कौन है इस मूवी का बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया क्या ये हिट रही या ये फ्लॉप रही तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग बात करें डायरेक्टर की कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी श्री हरि नानू ने जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहां पर हम लोग बात करें राइटर की डायलॉग्स की कि इस मूवी के डायलॉग्स को किसने लिखा तो निवास ने इस मूवी के डायलॉग्स को लिखा जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे गए हैं स्क्रीन प्ले की बात करें जो कि काफी ज्यादा टाइट रखा गया है तो श्री हरी नानू ने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला जो कि काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है स्टोरी लाइन की बात करें तो उन्होंने ही यहां पर इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी संभाला स्क्रीन प्ले को भी संभाला डायरेक्शन को भी संभाला जो कि काफी अच्छे तरीके से हैंडल की गई है स्टोरी लाइन ही वो मेन चीज होती है जो कि ऑडियंस और थिएटर्स को कनेक्ट कर सकती है एंड यह काम इस मूवी ने ठीक ठाक किया है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो बेक गोपाल और उसी के साथ साथ ममिदी सेट्टी श्रीनिवास जो हैं वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे स्टारिंग की बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं शिवाजी देखने को मिलेंगे भूमिका चावला और निमिषा देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टारिंग में देखने को मिल जाएंगे एडिटिंग की बात करें तो आप लोगों को नागी रेड्डी जो है वो इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें

ट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो मैं आप लोगों को पहले बताता चलूँ कि ये मूवी जो है वो अभी कहीं पर अवेलेबल नहीं की गई लेकिन हाँ जल्द ही इसका टी वी प्रीमियर आने वाला है आप लोग इसे टी पर देख